बात सामूहिक सूर्य नमस्कार की करेंगे, जिस पर पहले ही कई बार बवाल हो चुका है। आज फिर कई राज्यों और कई स्कूलों में एक साथ होगा इसका आयोजन। स्कूली छात्रों से लेकर सामाजिक और आध्यात्मिक संगठनों से जुड़े लोग आज हजारों हजार की संख्या में एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लेकिन जिस सामूहिक सूर्य नमस्कार पर विवाद पहले मध्य प्रदेश में होता था, इस बार उस पर विवाद बिहार में हुआ है। आज हिंदुस्तान में दिखेगी अनोखी तस्वीर। राज्य अलग होंगे, स्कूल अलग अलग होंगे, सरकारी और गैर सरकारी संगठन अलग अलग होंगे, लेकिन हर जगह की तस्वीर होगी एक जैसी। वो सूर्य नमस्कार जिसे तमाम योगासनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो सूर्य नमस्कार जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे नियमित करने से आपके अंदर सूर्य जैसी चमक पैदा होती है, आपके व्यक्तित्व में अद्भुत तेज का निखार आने लगता है। वही सूर्य नमस्कार आज हिंदुस्तान के कई राज्यों में, स्कूलों में, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रांगणों में एक साथ होता हुआ दिखाई देगा। इस सूर्य नमस्कार में स्कूली बच्चे हिस्सा लेंगे तो कई सामाजिक और आध्यात्मिक संगठनों से जुड़े लोग हजारों की संख्या में एक साथ सूर्य को सर्वश्रेष्ठ योगासन के जरिए नमस्कार करते हुए दिखाई देंगे। पूरे हिंदुस्तान में ये विशेष आयोजन इसलिए क्योंकि ये उस महान हस्ती स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती का मौका है, जिन्होंने हिंदुस्तान के योग और ध्यान विद्या को हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पश्चिमी मुल्कों तक भी पहुंचाया, पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की धरोहर योग विद्या से परिचित कराया। गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार के अलावा कई राज्यों में आज होने वाले सामूहिक सूर्य नमस्कार की तैयारी कई दिनों से चल रही थी, लेकिन बिहार में इस खास पल से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। 9 फरवरी को जारी किए गए आदेश में बिहार के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को इस सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय के कुछ संगठनों ने इस पर कड़ा एतराज जताया। इसका असर ये हुआ कि राज्य सरकार ने यूटर्न ले लिया, पुराना आदेश बदल दिया और नया फरमान दिया कि सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में जिन छात्र छात्राओं की इच्छा है वही भाग लें। सरकारी स्कूलों में हर छात्र छात्रा के लिए सूर्य नमस्कार में हिस्सा लेने की बाध्यता नहीं है। हमने बिहार सरकार से आग्रह किया था, माध्यमिक शिक्षा निदेशक से, कि यह कार्यक्रम हम लोग भी मना रहे हैं कई संगठनों को साथ लेकर के, उनके सरकारी स्कूल के भी बच्चे इसमें भाग लें, ऐसी वह एक अनुमति प्रदान करें, और सरकार ने अनुमति दी थी। लेकिन कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस पर गहरी आपत्ति प्रकट की, तो सरकार ने उसमें संशोधित किया कि इसको ऐच्छिक करार दिया है कि इसमें भाग ले भी सकते हैं, भाग नहीं भी ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि जितना दबाव बिहार के नीतीश सरकार पर बाहर से था, उससे कहीं ज्यादा दबाव पार्टी यानी जेडीयू के भीतर से था, और इसी के चलते नीतीश सरकार ने सामूहिक सूर्य नमस्कार पर अपना पुराना आदेश बदल दिया। सूर्य नमस्कार में हिस्सा लेना अब वैकल्पिक हो गया तो जेडीयू के नेता भी खुलकर बोलने लगे। जेडीयू सांसद अली अनवर कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है, इसे सब पर क्यों लागू किया जाना चाहिए? ये किसी का पूजा पद्धति भी है सूर्य का नमस्कार करना, तो सबके लिए मैंडेटरी, इसको करने पर किसी को विरोध हो सकता है, तो क्यों हम कंट्रोवर्शियल चीज में पड़ेंगे? हमारी सरकार सबको मिला जुला के लेकर चलती है। सवाल है, सूर्य नमस्कार पूजा की विधि कब हो गई? ये तो योगासन का एक तरीका है। बहरहाल नीतीश सरकार ने अपने हित में जो बेहतर समझा वो किया। वैसे सूर्य नमस्कार का विरोध मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को भी उचित नहीं जचा। वो कहते हैं कि सूर्य पर तो किसी एक धर्म का अधिकार नहीं, फिर सूर्य नमस्कार के विरोध का क्या मतलब? सूर्य ना हिंदू का है, ना मुस्लिम का, ना सिख का, ना ईसाई का है, सूर्य सबका है, और सूर्य से जो प्राप्त हो रहा है या किसी पार्टिकुलर संप्रदाय या समुदाय को नहीं प्राप्त हो रहा है, सबको प्राप्त हो रहा है, इसका विरोध बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल अनुचित। हिंदू आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद ने जब योग विद्या को दुनिया में फैलाने का बीड़ा उठाया, तब ये सोचा भी नहीं होगा कि सियासत करने वाले इसे भी सियासत का मोहरा बना देंगे। लेकिन आज की सच्चाई यही है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पहले ही सहयोगी बीजेपी और जेडीयू के बीच तलवारें खींची हैं।
अब शायद सूर्य नमस्कार भी दोनों पार्टियों के बीच खटास बढ़ने की बड़ी वजह बने। पटना से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।